पुष्कर में, राजस्थान में या कुछ समय में, उस समय शादीशुदा आदमी प्रवेश नहीं करता है। माँ भगवती का मंदिर है कन्याकुमारी में, जहाँ माँ दुर्गा ने, माँ भगवती ने पूजा की थी कैलाश के शिव को पाने के लिए। वहां भी कुछ समय में मैरिड मैन डज नॉट एंटर। कामरूप कामाख्या का मंदिर है, जहाँ तो जो माँ है उनको महावारी हो रही होती है, उस समय फीमेल प्रीस्ट होती हैं और फीमेल भी कुछ समय जा सकती हैं। कितने ही मंदिर हैं, कहाँ कहाँ तक इंटरफेयर करेंगे हिंदुइज्म में। कल को तो बच्चे बच्चे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे नवरात्र में तुम कन्या पूजन करते हो, लड़कों का पूजन होना चाहिए, केवल कन्याओं का पूजन क्यों होगा? उसके लिए भी पिटिशन फाइल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट कहेंगे नथिंग डूइंग, कन्या पूजन में छह लड़कियां रखो, छह लड़के रखो। कल वो कहेंगे गणेश जी को केवल लड्डू ही क्यों खिलाते हो, उनको तो हलवा खिलाओ। हम कहेंगे हमारे गणेश जी लड्डू ही खाते, नहीं नहीं नहीं, लड्डू हलवे में आप भेदभाव क्यों करते हो? कहते कहां तक इंटरफेयर करेंगे हमारे रिलीजन में। और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मतलब फंडामेंटल पॉइंट्स और रूल्स जो उस समय उस धर्म के लिए अनिवार्य है। ये जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का फॉर्मूला है, ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में चल सकता है, जो लगभग लगभग यूनिफॉर्म है। एक किताब है, एक भगवान है, एक मसीहा है, एक पूजा पद्धति है। हिंदुओं में तो जितने हिंदू हैं उतने देवता, एक घर में ही झगड़ा करवा दोगे। मैं राम को मानती हूँ, बेटा काली को मानता है, कोई किसको मानता है? इससे बड़ा सेक्युलर धर्म और कौन सा होगा? और हमारे सारे भगवान इकट्ठे रहते हैं, झगड़ते नहीं हैं आपस में। तो वेस्टर्न रिलीजियस कॉन्सेप्ट से आप हिंदुइज्म को देख नहीं सकते। ये सुप्रीम कोर्ट कहती है वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की पद्धति है। पत्थर को भी भगवान मानते हैं, जिसको जैसा पत्थर अच्छा लगे वैसा भगवान करके पूज लो उसको। तो शबरीमला में ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि वहां पर 10 से 50 साल की महिलाएं नहीं आए। जो आदमी भी जाए वो 41 डेज का फास्ट करने के बाद ही जाए, उसके बिना नहीं जाए। ये टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये मंदिर है जिसमें आस्था है। और सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, क्रिश्चियंस की भी है और मुस्लिम्स की भी आस्था है। ये सब नियमों का पालन करके ही जाते हैं। तो मुझे लगा बिंदु ठीक कह रही है। मैं दिल्ली के चश्मे से केरल को देख रही थी, मैं नॉर्थ इंडिया के चश्मे से शायद शबरीमला को देख रही थी। यहाँ हर मंदिर अलग है, हर देवता अलग है। हमारे देवता तो सुबह उनको उठाया जाता है, नहलाया जाता है, उनको भोजन कराया जाता है, दोपहर को विश्राम करते हैं, शाम को फिर जागते हैं। कहा जाए ये तो हो नहीं सकता। तो इसलिए जो इंदु मल्होत्रा जी, जो जज ने कहा, लॉजिक मत लगाओ धर्म के अंदर, संविधान का लॉजिक मत लगाओ। धर्म धर्म से चलता है, नहीं संविधान से चलता है। हाँ, कोई कुरीति नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही कोर्ट्स को देखना है। तो आशा ही ये विश्वास है। रिव्यू पिटिशंस 22 जनवरी को आ रही हैं और रिव्यू पिटिशंस में कोर्ट को कहा जाएगा सही क्वेश्चंस फ्रेम होने चाहिए थे। क्वेश्चन ये फ्रेम होगा कि औरतों को वहां अंदर एंटर नहीं करने दिया जाता क्योंकि उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, क्या ये भेदभाव नहीं? आंसर आएगा भेदभाव है, हटाओ इस नियम को। और क्वेश्चन ये फ्रेम किया जाएगा कि लॉर्ड अयप्पा ब्रह्मचारी हैं, अपने संयम के लिए कुछ नियम लगाए हैं, 10 से 50 वर्ष की महिला ना आए, वो बच्ची या माँ के रूप में महिला को देखना चाहते हैं, 999 और टेम्पल्स हैं वहाँ चली जाए, क्या ये ट्रेडिशन को नहीं है? क्या लॉर्ड अयप्पा को ये अधिकार नहीं है? आंसर आएगा हाँ, ये अधिकार है, भेदभाव नहीं है। इसलिए ठीक प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक उत्तर आएगा। अब यहाँ अगर कोई भी नमिता जी प्रश्न पूछना शुरू कर दे कि आज आप फिर अपनी पत्नी से पिट कर आए हो, हाँ होगा या ना, दोनों उत्तर गलत ही होंगे। तो इसलिए क्वेश्चन ठीक पूछो, आंसर ठीक आएगा। यही रिव्यू पिटिशंस में बहुत से ग्राउंड्स के बीच में ये ग्राउंड लिया जाए। अंत में यही कह के अपनी बात समाप्त करूंगी, कोर्ट में जो पिटिशनर्स हैं, जो रिव्यू फाइल किया है, प्रज्ञा जी की भी एक रिव्यू पेंडिंग है कोर्ट में, तो ये कोर्ट में अपना काम वो लोग करेंगे। केरला में बहनें अपना काम कर रही हैं, समाचार पत्र के लोग अपना काम करेंगे, सरकार अपना काम करेगी,
पर आप और हम क्या कर सकते हैं? ये जो आपके हाथ में 8 इंच 9 इंच का ब्रह्मास्त्र होता है ना, इसको ठीक से इस्तेमाल कर सकते हैं? केवल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के लिए इस्तेमाल करने से अच्छा है 5 पेज रोज पढ़े ना, और 1 पेज रोज इसके ऊपर लिखें। धीरे धीरे आपकी भी फॉलोइंग बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जो इन्फॉर्मेशन दोगे वो काम की होगी, वो ओरिजिनल होगी। तो जन जागरण के इस अभियान में आप भी अपना गिलहरी प्रयास करते रहिए, समाज को जगाते रहिए। यही आपसे आशा है कि आज मैंने सूर्य से पर जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तब तमाके वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं? आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। जय हिंद जय।